हेलो गाइस, मैं शेफ अरुण गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ द किचन वक में। और आज मैं लेके हूँ आपके लिए स्पेशल मनचाओ यिप्पी की रेसिपी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, एक बार आप इस रेसिपी से यिप्पी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली जिसके अंदर हमने पानी डाला लगभग एक कप। जितना हमें नॉर्मल यिप्पी बनाने के लिए पानी चाहिए होता है उतना इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम पानी में जो यिप्पी का मसाला है वो ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने हिसाब से, या आप ऐड कर सकते हैं। अब पानी को हमें बॉयल आने देना है। देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। अब जो यिप्पी है मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगा। तो आप ऐसे पूरी यिप्पी को एक साथ ऐड कर दीजिए और इसको आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक यिप्पी हमारी बॉयल हो रही है तब तक हम एक पैकेट सूप का पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक अलग से कप में सूप को डिसॉल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा पानी लेना है, क्योंकि अगर हम जो सूप है वो गर्म पानी में डायरेक्ट डाल देंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे अलग से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यिप्पी में मैंने पनीर ऐड करा है। यिप्पी में आप पनीर ज़रूर ऐड करें, थोड़े से पनीर के क्यूब्स इसके अंदर आप ज़रूर ऐड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है यिप्पी में पनीर का, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब जो हमने सूप बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें सूप को भी अच्छे से बॉयल होने देना है, जब तक जो इसके पानी है वो थोड़ा सा थिक ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। लगभग 3 से 4 मिनट हमें इसमें लगेंगे पकाने में, और हमें इसे अच्छे से पका लेना है। पर एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई। आप देख सकते हैं हमारी स्पेशल सूपी मनचाओ यिप्पी बिल्कुल तैयार है। और इसमें जो मैंने सूप का फ्लेवर डाला था वो मनचाओ फ्लेवर डाला था, तो आप भी मनचाओ ही डालें। अगर आप कोई और डालना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मनचाओ इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार है, मैं इसकी प्लेटिंग कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।